हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कन्वर्ट कराया गया सेकेंड जे ओ वै टी पेपर ये पेपर दो हज़ार सतारह में इन्होंने करवाया था इसमें कंप्यूटर सेक्शन से टोटल पचास क्वेश्चन देखने को मिले थे इन सभी क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ये लेक्चर आपके आने वाले आगामी परीक्षाएँ जितनी भी है जिसमें कंप्यूटर आपका सिलेबस का पार्ट है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें एंड अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों से शेयर कीजिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंप्यूटर इज़ एन डैश डिवाइस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इज बैन ऑफ कंप्यूटर सी पी यू ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सी पी ओ का कंप्यूटर का ब्रेन है इसमें जो बाकी ऑप्शन है उनको समझते हैं ए में दिया गया था डी एम ए डी एम ए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डी एम ए इज़ अ मैथड दैट अलाउ इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सेंड और रिसीव डेटा टू और फ्रॉम द मेन मेमोरी बाई पासिंग द सी पी ओ सी पी ओ टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन डी एम ए एक ऐसा मैथड है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को अलाउ करता है कि आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम दी मेन मेमोरी विदाउट सी पी यू इंटरप्शन इसकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है आपको टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगी चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है बी में देखा था कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट आपका सी पी यू का पार्ट है इसका काम है जितने भी जितने भी ऑपरेशन सी पी यू के अंदर परफॉर्म होंगे उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना और इसमें दो सिग्नल होते हैं टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल सिग्नल ऑप्शन डी में देखा था कैश मेमोरी कैशे मेमोरी आपका प्राइमरी और मेन मेमोरी का पार्ट है और ये प्लेस होती है सी और रैम के बीच कैश मेमोरी आपकी हाई स्पीड मेमोरी है इसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है टू फिफ्टी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी टू एम बी कैशी मेमोरी का यूज है हाई रे हाई डाटा डाटा को फास्ट रेट में प्रोवाइड करना सीपीयू के लिए हाई स्पीड में इस इस मेमोरी में वही डाटा इंस्ट्रक्शन रखी जाती है जिसकी जो सीपीयू को बार बार पड़ती रहती है कैश मेमोरी आपकी और कोई नहीं बल्कि स्टैटिक स्टैटिक रैम है स्टैटिक रैम को ही कैशी मेमोरी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड डिवीजन बाय जीरो इन अ प्रोग्राम कॉज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंटरप्ट फिफ्टी फोर वन बाइट इज इक्वल टू डैश बाइट एक बाइट में कितने बिट होते हैं आठ बिट आठ बिट से बनकर एक बाइट बनता है लेकिन अगर चार बिट हो तो वो निबल बनता है ए एन इज यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटीफाई मेमोरी लोकेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अ 16 बिट एड्रेस बस कैन जनरेट डैश एड्रेस इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा टू 16 एड्रेस कैन जनरेट 57. माइक्रो कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर डिजिटल वॉच कैलकुलेटरों के इन तीनों में इसका यूज होता है इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैश मेमोरी ए और रैम ये आपकी स्कैन स्को जो, 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 जो नहीं है ए तो आपका सी का पार्ट है जो कि एक रजिस्टर है रैम और कैश मेमोरी आपकी फैमिली मेमोरी है फिफ्टी नाइन ई पी रोम स्टैंड फॉर ई पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई पी रोम आपका रोम का पार्ट है इसमें जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन होती है उसको आप इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा अल्ट्रावर्ल्ट रे की हेल्प से सिक्सटी द ऑक्टल इक्वलेंट ऑफ वन 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 ज़ीरो वन जीरो इज़ इसका जो सही आंसर है वन सेवेंटी टू वो इस वो ऐसे आया आपने पहले इस नंबर को थोड़ा सा खुला खुला लिखना है जैसे इन्होंने किया है जिन, जिनका जिनका ये पेपर है उसके बाद आपने राइट से लेफ्ट की तरफ तीन तीन के पेयर बनाने हैं जब 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 आपके तीन तीन के पेड़ बन जाएंगे उसके बाद आपने इनका इनका डेसिमल नंबर निकालना है या फिर आप अगर आपको ऑक्टो टेबल याद हो जो थ्री बीट का होता है जीरो 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 से लेकर वन 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 तक उसके हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हैं ऑक्टे का टेबल होता है जीरो से लेकर सेवन तक जीरो की वैल्यू होती है ट्रिपल जीरो एंड सेवन की वैल्यू होती है वन 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 उससे किसी भी आप निकाल सकते हैं या फिर तीन तीन के पेड़ के बाद आप इनका सीधा जैसे वन नंबर निकाल सकते हैं उसके लिए आपको इनके ऊपर बाइनरी वेट लिखना होगा और जहाँ पे वन वन है उसको ऐड ऐड करना होगा सिक्सटी वन द बाइंड्री इक्वलेंट ऑफ डेसीमल नंबर सिक्सटी पॉइंट सिक्सटी इज इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन ए होगा इसको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा आपको उसका आपको सोल्यूशन टेलिंग चैनल पर मिल जाएगा इसमें जो शुरू का सिक्सटी है उसको अलग सॉल्व किया जाएगा जो पॉइंट के बाद सिक्सटी है उसका अलग सॉल्व किया जाएगा इसका सोल्यूशन आपको टेलिंग चैनल पर मिल जाएगा आज शाम तक नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर ऑप्शन सी डी एम ए DMA is not a functional unit of computer. Give the odd man out. Printer is the right answer. Next, one gigabyte is equal to m bytes where m is equal to. इसका जो सही आंसर है one zero two four power three. One gigabyte में होते हैं आपके एक हज़ार चौबी इनटू एक हज़ार चौबी इनटू एक हज़ार चौबी बाइट. यहाँ पे स्मॉल m लिखा गया है. अगर यहाँ पे कैपिटल m होता, तब आपका आंसर one zero two four एम बी होता लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम है इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि तो ए गीगाबाइट वन गेगा बाइट इज इक्वल टू टेन रेड नाइन बाइट टेन रेड नाइन का मतलब है हज़ार इंटू हज़ार इंटू हज़ार तीन छः नौ नौ जीरो तो ऑप्शन सी में दिए है वन जीरो टू फोर पावर थ्री इसलिए ऑप्शन सी सही होगा अ कंप्यूटर डज नॉट हैव कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटेलिजेंस कंप्यूटर में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती बाकी इंटेलिजेंस वर्सिटिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये इसकी फीचर है सिक्सटी सिक्स में पूछा गया था देयर आर डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर में टोटल पाँच जनरेशन होती है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द कंप्यूटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बस बस की हेल्प से ही डाटा आपका ट्रांसफर होता है एक एक जगह से दूसरी जगह पे ये जो बस होती है आपकी ये मदरबोर्ड में होती है इसको आप, आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपका डाटा कई आप जैसे कमांड देते हैं प्रिंटर को हम सोचते हैं कि हमने जो कमांड दिए वो प्रिंटर कैसे प्रिंट कर रहा है वो भी आपका डाटा बस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है जो केबल में केबल के थ्रू जाता है सिप यू डज नॉट हैव फॉलोइंग इन कंपोनेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कैश मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज फॉर प्रिंटर प्रिंटर के लिए आपका पैरल पोर्ट यूज होता है जो सीरियल पोर्ट है सीरियल पोर्ट का, का काम है एक समय पे एक बिट ट्रांसफर ट्रांसमिट करना सीरियल पोर्ट में आपके माउस माउस आ जाता है मॉडम आ जाता है लेकिन पहले पोर्ट में आपका स्कैनर प्रिंटर जाते हैं पी एस स्लेश टू ये आपका पुराने जमाने के जो कंप्यूटर होते थे उसमें लगता था माउस में जैसे आगे पिन लगी होती थी नाइन पिन का या फिर ट्वेंटी फाइव पिन का ये होता था डी में देखा है वी जी वीडियो वीडियोग्राफिक एडप्टर या फिर वीडियोग्राफिक एर एवंटी द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ डेसीमल नंबर माइनस ट्वेंटी सेवन इन टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है इसको भी इसका सोल्यूशन आपको टैलिंग चैनल पर मिल जाएगा अभी इसको अभी इसको क्वेश्चन मुश्किल होगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा ट्रिपल वन डबल जीरो वन जीरो वन इसमें सबसे पहले क्या करते हैं आपको दिया है माइनस ट्वेंटी सेवन आपने माइनस को हटा देना है आपने सबसे पहले ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका टू एज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो वो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा टू वर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जो आपकी वैल्यू है उसको रिवर्ट करना है जहाँ वन है वहाँ पर जीरो वाँग जीरो वन फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी नंबर का वन कॉम्प्लीमेंट है वन 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 तो इसका जो सॉरी मान लो कोई नंबर है वन 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 इसका जो वन कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जीरो 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 मतलब उसका उल्टा जहाँ वन है वहां पर जीरो जहाँ जीरो वन वन लेकिन जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाए जब उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो जो वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है उसमें एक ऐड करना है तब आपका टू एस कॉम्प्लीमेंट निकलता है सेवेंटी वन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर इज डन इन डैश मोड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एग्जीक्यूट मोड सेवेंटी टू द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ पिक्सल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अलॉन्ग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन का इजोलूशन पूछा गया है अगर यहाँ पे बात की गई डायमेंशन ऑफ मोनिटर की तो आपका डायगेल होता लेकिन यहाँ बात है, की गई है इजोलूशन की इसलिए डी इज द राइट आंसर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्रीन सेवेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपके दो होते हैं नैन एंड नोट यहाँ पे नैन नहीं है तो नोट दिया गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सेवेंटी फोर हैक्सर डेसिम्बल सिस्टम यूज डैश सिम्बल हैक्से डेसिमल में आपके जीरो से नाइन तक होते हैं और नाइन के बाद आपका टेन नहीं होता उसके बाद आपका ए टू एफ होता है जियो से लेकर फिफ्टीन तक होते हैं सिक्सटीन इसकी सिंबल सिक्सटी वैल्यू टोटल इसमें होती है और चार चार का पेयर होता है सेवेंटी फाइव द हैक्सर एसिम्बल इक्वलेंट ऑफ बाइनरी नंबर वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो इज इक्वल टू ट्रिपल ए क्योंकि ए की वैल्यू होती है टेन वन जीरो वन जीरो को जो आप आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, कर, करेंगे जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब ये आएगा टेन और टेन इज इक्वल टू ए इसलिए ए ए ए इज़ द राइट आंसर सेवेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैथड इज़ कॉमनली यूज फॉर सब्सट्रैक्शन इन बाइंद्री नंबर सिस्टम ऑप्शन सी टूज कॉम्प्लीमेंट सेवेंटी सेवन इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन मशीन लैंग्वेज आर इन डैश ऑप्शन बी बाइंदी डिजिट कंप्यूटर में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में होते हैं और मशीन लैंग्वेज आपकी बाइन्नी नंबर में होती है दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सेवेंटी एट देखो ये क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था द डायमेंशन ऑफ ए मोनीटर इज एक्सप्रेस इन यहाँ पे मोनिटर के डायमेंशन की बात की गई है इसलिए इसके आंसर होगा डायगनल लेंथ ऑफ स्क्रीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर सेवेंटी नाइन एक्स एंड वाई आर बोलियन वैलियबल एक्स एंड वाई आपको दो बोलियन वैलेबल दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ नॉट पैंथीसिस एक्स एंड वाई पैंथीसिक क्लोज इज इक्कीस की क्लो होगा जब इसको सॉल्व करेंगे नॉट एक्स आएगा नॉट नॉट और एंड को जब कंबाइन करेंगे तो यह बनेगा और उसके बाद नॉट वाई तो उसका ऑप्शन सी सही होगा नॉट एक्स और नॉट वाई एटी ए एंड बी आर बुलियन वेरिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफायर टू ए एक्स और बी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसका इस अस्सी का भी और सेवेंटी नाइन का सोल्यूशन भी आपको कैलिंग चैनल पर मिल जाएगा जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको लग रहा है कि इसका सोल्यूशन आपको सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वो सारे सोल्यूशन आपको कैलिंग चैनल पर मिल जाएंगे एट्टी वन अ वर्ड प्रोसेसर इज मोस्टली लाइकली यूज फॉर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एट्टी टू प्रेसिंग की टूगेदर कंट्रोल प्लस होम जब कंट्रोल प्लस होम को एक साथ प्रेस किया जाता है तो आपका कर्ज कहाँ मूव होता है आपका कर्जा मूव होता है डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एम एस वर्ड इज़ एन एम एस वर्ड इज एन वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन बी इज़ द राइट एटी फोर में पूछा गया था एम एस एक्सेल इज़ एम एस एक्सल आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है एम एस बाबू पॉइंट एम एस पावर पॉइंट इज अ प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेस इज़ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये तीन चार क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सल एम एस में करेक्टर इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एटी एट अ सेल इन एम एस एक्सेल कैन बी एक्टिवेटेड बाई एम एस एक्सेल में सेल को एक्टिवेट करने के तीन तरीके हैं या फिर प्रेसिंग द टैब की या फिर आपको सेल में क्लिक कर सकते हैं या किस प्रेस कर सकते हैं तीनों ही सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ इज राइट आंसर एटी नाइन में पूछा गया था इन एम एस एक्सएल फंक्शन इज इक्वल टू टू रिटर्न जब एम एस एक्सएल में टूडे फंक्शन को आप लिखते हैं तो क्या होगा टुडे फंक्शन का यूज होता है करंट डेट को प्रिंट करने के लिए वही इसमें लिखा गया है ऑप्शन ए में डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नाइनटी एन एक्सेल वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ एक्सेल वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स ऑप्शन डी इज द मोर सुटेबल आंसर अगर ऑप्शन डी में जो नहीं दिया गया होता तब आपका आंसर होता वर्कशीट लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में वर्कशीट एंड चार्ट लिखा गया है इसलिए आपको प्रायोरिटी इसको देनी है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाइन्टी वन द डैश की इज यूज टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस पावर पॉइंट एफ वन एफ वन की की हेल्प से आप एम एस पावर पॉइंट में हेल्प विंडो को खो सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाइन्टी टू द डैश शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन एम एस पावर पॉइंट में अगर आपने एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तब आप करेंगे कंट्रोल प्लस एम लेकिन अगर आपने एक नया पावर पॉइंट का फाइल खोलनी है न्यू खोलनी है तब आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल एन और कंट्रोल एम में सिर्फ यही डिफरेंस है कंट्रोल एम का यूज़ होता है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए लेकिन अगर आपने नई फाइल इंसर्ट करनी है तब आपको करेंगे कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल एन से आपका एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा पावर पॉइंट का नाइन्टी थ्री इसमें आंसर टिक करना मिस हो गया है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन किसी भी सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी में देखा है फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाइन्टी फोर द डैश फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एम एस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एम एस पावर पॉइंट में जो आपका फोन डाटे बॉक्स है उसमें आपका स्ट्राइक थ्रू नहीं होता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाइन्टी फाइव इन डाटा बेस सिस्टम अ कंपोजिट की इज मेड अप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे कॉलम से है और कॉलम एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड ये एक ही चीज़ है नाइन्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम स्मॉलेस्ट इन अ टेबल ऑफ डाटा बेस डाटा बेस में जो टेबल होते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है वो आपके होती है फील्ड फील्ड आपके बनती है नंबर ऑफ कैरेक्टर से और नंबर ऑफ कैरेक्टर बनती है आपके बाइट से और बाइट बनती है आपके बिट से इसकी एक खिलाड़की है बिट बाइट करेक्टर फील्ड डाटाबेस नाइन्टी द फॉलोइंग ट्रू इन डी बी एस डी बी एस टैन फॉर डाटा बेस सिस्टम ऑप्शन बी रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस डी बी एम एस में आपकी जो रिपीटेशन होती है वो रिड्यूज़ होती है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिपीटेशन को ही रिटर्नसी बोलते हैं नाइन्टी एट अ डैश इज़ यूज टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल इन अ रिलेशन डी बी एस ऑप्शन बी क्वरी क्वारी का यूज़ किया जाता है अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो डाटाबेस डादव, डादव, सिस्टम से और क्वायरी हम यूज़ करते हैं एस क्यू एल स्ट्रक्चर क्वैरी लैंग्वेज नाइन्टी नाइन डैश इज नॉट एम एस एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी वर्कशीट वर्कशीट आप वर्कशीट आपका एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी डी एल स्टेटमेंट डी डी एल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो आपके क्रिएट स्टेटमेंट है वो डी डी एल का पार्ट है और इंसर्ट अपडेट और डिलीट ये आपका डी एम एल का पार्ट है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी डी एल में आपका क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट डिलीट नहीं आता सॉरी क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट ये आपका डिटेल किया आता है ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था इसी के साथ इस पेपर के पचास क्वेश्चन कम्प्लीट किए हमने अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर कमेंट में हमें अपनी क्वारी डाउट भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ऐसे क्वेश्चन इसमें पांच छह क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए जिसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बहुत जल्द वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ जुड़े रहे सी एस के साथ एग्जाम कंटेंट के लिए एज वेल एज लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे